वहां अवधवासी मंगल कामना करते हैं कि मेरे श्री राम का राज्य तिलक होगा। कहीं लड्डू बन रहे हैं, कहीं मिठाइयां बन रही हैं, कहीं एक तरफ खुशी की हिलोर है, कहीं उत्सव की लहर है, हर कोई उत्सव के अंदर विलीन है।
और अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वो माताओं के चरणों में निमित्त वन की ओर निकल जाते हैं। और वहां माताएं उदासीन है, लक्ष्मण और माता सीता
पंचवटी में निवास कर रहे होते हैं। तभी उधर से गुजरती हुई दैत्य कन्या शोक नखा की दृष्टि श्री राम पर करते हैं, जिनका सुंदर स्वरूप देख वह उन्हें पति रूप में पाने का निश्चय करती है और एक सुंदर बालक का रूप धर धरती पे आ जाती है। उन्हें देव श्री राम पूछते हैं, हे देवी आप कौन है? मैं दैत्य कन्या हूँ, मैं बहन हूँ प्रदूषण की, मैं बहन हूँ महाप्रकृति रावण की और अपार संपत्ति के दाता कुबेर की। हे मानव, मैं तुम्हें खुद से विवाह करने का परिचय देती हूँ। तभी श्री राम शूर नखा को इनकार करते हुए कहते हैं, हे देवी मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। तभी वहां पे लक्ष्मण आ जाते हैं, जिनको देख शूर्पणखा कहती है, ये उत्तम पुरुष कौन है? ये भी तुम्हारे भांति श्रेष्ठ ज्ञात होता है, क्यों ना मैं इसे विवाह का प्रस्ताव दूं? और लक्ष्मण के पास आ जाती है, जाओ स्वामी से याचना करो। तभी शूर्पणखा गुस्से में आती है, रावण की योजना बनाता है। एकदम क्रोधित रावण
बैठ जाता है। और तभी वो काली विद्याओं के ज्ञाता मारीच के पास जाता है। प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव, प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव, मारीच जाओ पंचवटी और अपनी काली विद्याओं का प्रदर्शन करो, और पंचवटी जाओ एक वृक्ष बनकर और सीता को प्रलोभित करो। तभी मारीच बात सुनकर रावण की कनक वृक्ष बनकर पंचवटी जाता है। तभी वहां मारीच कनक मृग बनकर आता है और माता सीता को प्रलोभित कर देता है, जिसे माता देखकर माता सीता इस तरह प्रलोभित हो जाती है कि राम से याचना करती है, स्वामी मुझे वह कनक मृग ला दीजिए। तभी लक्ष्मण को बुला श्री राम माता सीता की जिम्मेदारी उन्हें सौंपते हैं और वन की ओर कनक मृग को मारने पहुंच जाते हैं। एकदम बैठी हुई है, तभी उन्हें आवाज आती है, सीते सीते, जिसे सुन वो व्याकुल हो जाती है। लक्ष्मण लक्ष्मण कैसे भाई हो, लक्ष्मण क्या तुम्हें अपने भाई की आवाज सुनाई नहीं देती, वो तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ वन में जाओ और उनकी सहायता करो। तभी लक्ष्मण माता सीता के पास चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा का गठन कर देते हैं और उनसे याचना करते हैं, माता जब तक मैं वन से लौट ना आऊं आप इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करिएगा माता। और अपना तीर कमान उठा क्रोधित हो भैया को बचाने वन की ओर चले जाते हैं। वो लक्ष्मण रेखा जो अदृश्य थी वो अपना अहंकार ले लेती है, हर कहीं उसको कोई ला नहीं सकता। तभी वहां पे शंड रावण आ जाता है साधु के वेश में, भिक्षाम नहीं भिक्षाम नहीं, जिसकी आवाज सुन माता सीता रसोई में भोजन लेने जाती है। और तभी रावण लक्ष्मण रेखा नामने का प्रयत्न करता है, मदद कर नहीं पाता, वो दोबारा प्रयत्न करता है, मदद कर नहीं पाता। तभी माता सीता भोजन लेकर बाहर आती है और कहती है, हे मुनिवर यहां आकर भोजन लीजिए। तभी क्रोधित होकर चंड रावण कहता है, हे देवी तुम हमें भोजन लेने के लिए बाहर बुला रही हो, हमें तुम कोई आर्य कन्या ज्ञात नहीं होती, हम तुम्हें श्राप देंगे। तभी माता सीता कहती है, नहीं नहीं मुनिवर हमें श्राप मत दीजिए। तभी चंड रावण अपनी शंड विद्या का प्रदर्शन करते हुए कहता है, क्या तुम्हारा पति वन में है, क्या वो किसी घोर विपदा में है। तभी माता सीता रावण के झूठे भ्रम में फंसकर भोजन लेकर सीमा लांघ कर आती है। और तभी रावण माता सीता का हाथ पकड़ उन्हें बिठा देता है और अपने इसलिए
Thank you.